अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम बनाएंगे आज एग फ्राइड राइस, बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड होंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ दिखा दी गई हैं आपको और लिख दी गई हैं। साथ ही अब हम यहाँ पे एक पैन में एग फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, तो अंडा जो है वो हमने अच्छे तरीके से इसको हमने भून लिया है, हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे, क्रश करके रखा हुआ था हमने। इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। सबसे पहले हम मटर, गाजर और क्या है, सबसे पहले हमने इसमें मटर और गाजर ऐड करना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। साथ ही अब हमने इसमें ऐड किया है गोभी और प्याज। प्याज जो है वो तकरीबन 2 प्याज थे, और जो है वो बाकी इंग्रेडिएंट जितनी भी चीज़ें हैं वो मेंशन कर दी गई हैं। चावल जो है वो हमने बॉईल कर लिए थे पहले ही, 1 किलो चावल हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च और टमाटर। हल्का हल्का सा एक एक सब्ज़ी को भूनकर टाइम देना है, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का, और उसके बाद हमने दूसरी सब्ज़ी ऐड करनी है। बिल्कुल इसको जो है वो इस तरह भी नहीं करना कि बिल्कुल जो है गल जाए सब्ज़ियाँ। हल्का सा इसको फ्राई करना है। अब हमने इसमें ऐड किया है नमक हसबे ज़ायका, हसबे ज़रूरत, और विनीगर ऐड किया है हमने इसमें 4 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च ऐड की है और इसको हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हमने जो है वो ढककर इसको पकने के लिए रख दिया था, ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी बहुत जो है वो गल जाएँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, बॉइल्ड राइस, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सी और झटपट सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चावल जो है वो सब्ज़ी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हमने जो एग फ्राई किया था इसके ऊपर वो डाल देंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको ढक के थोड़ा सा जो है वो दोबारा से एक तरह से दम ही देना है इसको। और जी जनाब, तो ये हमारे एग फ्राइड राइस तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार। बहुत ही आसान सी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी।